नंदू स्कूल से आ गया क्या? नहीं अभी तक तो नहीं आया, लेकिन माखन कक्का गए हैं उसे लेने। ठीक है वो स्कूल से आए तो उसे दूध पिला देना और ज्यादा नखरे करे तो। नंदू बहुत प्यारा बच्चा है, कोई नखरे वखरे नहीं करता। तेरे जैसे बच्चों को एक वक्त की रोटी भी नहीं मिलती खाने के लिए और तुम्हें के घर का बना खाना बाहर फेंक कर आ गया। कब से कर रहा है तू ऐसा? अरे बोल ना कब से कर रहा है? बाबूशा कभी कभी करता हूँ। अरे लेकिन करता क्यों है ये तो बोल। बाबूशा मुझे रोज सब्जी और पराठा करना अच्छा नहीं लगता। देख लो अब इसमें छोरे की क्या करती। अब ये बींदनी रोज एक ही जैसे ही खाना पका के ठूंस देवेगी इसके डब्बे में तो कैसे खावेगो। अरे कभी कभी इसके पसंद का भी तो बढ़ा देना चाहिए। अरे इतनी कमर कौन तोड़े। अरे हम बड़ों का भी मन उपजावे रोज रोज वही खाना खाके। तुझे तो बच्चा है और जीव इस उम्र में चटकारे ना लेवेगी तो कब लेवेगी। पर माँ के हाथ में स्वाद ही ना हो तो कुछ ना बोल सके बच्चा। माँ की सजा बच्चे को मिल गई, दोष इसका थप्पड़ खावे जे। नहीं दादी सा, ताई सा बहुत अच्छा खाना बनाती है। कई तरह की नई नई सब्जी दाल ये सब बनाना मैंने इन्हीं से सीखा है और हम तो हर रोज इनके हाथ का बना खाते हैं ना। तुम्हारे दोस्त जरूर अपने डब्बे में बाहर का खाना लाते होंगे ना, तभी तुम्हें चटपटा लगता है। लेकिन नंदू ऐसे खाने में बहुत ज्यादा तेल और मसाले होते हैं और वो भी मिलावट वाले, उससे हमारी तबीयत खराब हो जाती है। तुम्हारी माँ जो शुद्ध और ताजा खाना देती है उससे तुम्हारे शरीर को ताकत मिलती है। अब तुम ही बताओ, तुम्हें अपनी दोस्त की तरह चटपटा खाना खाकर गोलू मटोलू और फुग्गा बनना है या उससे ज्यादा ताकतवर? आनंदी, रात के खाने की तैयारी तो हो गई है, इतना पालक क्यों काट रही है? ये सब नंदू के लिए है ताई जी, कल उसका डब्बा मैं बनाऊंगी, आप देखिएगा वो कितना खुश हो जाएगा। इतना सोचिए मत, बस देखते जाइए। पैर सीधा तो कर नंदू, दिन भर बदमाशी करता रहता है। देख मोजे भी सीधे नहीं किए तूने। तू बस्ता ले, मैं तेरा डब्बा तैयार करती हूँ, तब तक तू बापूसा के साथ नीचे आ जाना।
नंदू का डब्बा तैयार हुआ क्या? जी ताई जी। वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया, चल। ये क्या है? समोसा देगी उसे डब्बे में। दोपहर के खाने में ऐसी तली हुई चीजें खाएगा तो उसका पेट भी सही नहीं रहेगा और उसे पूरा पोषण भी नहीं मिलेगा। वैसे भी ऐसी चीजें ज्यादा खाई नहीं जाती है, थोड़ी देर में वापस भूख लग जाएगी उसे। पेट भर के रोटी सब्जी खाएगा तो ही उसके शरीर को पूरा पोषण मिलेगा। खाकर देखिए। इसका स्वाद तो थोड़ा अलग सा है। हाँ ताई जी, इसमें पालक है, गोभी है, गाजर है, मूली है, मटर है और नंदू को पसंद है इसीलिए आलू भी डाला है। मतलब हरी भरी सब्जियों का पूरा पोषण, स्वाद भी और भरपेट खाना भी। और ताई जी आप चिंता मत कीजिए, इसे मैदे में नहीं गूथा, गेहूं के आटे को दूध में गूथ कर बनाया है मैंने, और इसे तेल में नहीं तला, शुद्ध घी में तला है, इसीलिए शरीर को कोई भी नुकसान ना होगा इससे। और ऊपर का जो घी लगा है ना, सब इस कागज में उतर गया। तो इतना सब कुछ करने के लिए तो कल रात से लगी हुई है। मेरी नंदू की भाभी सा नहीं, दूसरी माँ है तू। और मुझे छोटी बहन का सहारा है तेरा। बहुत भाग्यशाली है हम सब जो तुझे अपने घर में पाया। ये लीजिए। इसे क्या घूर रही है? काटा नहीं है ये। कंप्यूटर सीखना बहुत आसान है, एक बार सीख जाएगी ना फिर खुद भी खुद सब करने लगेगी। और देखना फिर कैसे घंटों बात करेगी इस पे जीजोसा से। और आनंदी पता है, इस पे तू जीजोसा को देख भी सकती है। अरे वाह, कमाल है ये तो। और ये देख, इसे स्क्रीन कहते हैं। जैसे टीवी का होता है, इस पे हम सब देख सकते हैं। और हाँ, और इसे माउस कहते हैं। माउस? हाँ, माउस का मतलब तो मुझे पता है, चूहा। फिर इसका नाम भी कंप्यूटर के बजाय कैट रखना चाहिए था, है ना? आनंदी देख, इससे हम सब चलाएंगे। अब यहाँ से हम इंटरनेट खोलेंगे। लेना, अब तू कर, मैं बताती हूँ। कर ये। हाँ, अब खुल गई हमारी साइट। अब हम यहाँ से जीजूसा को मेल भेजेंगे। मतलब जैसे चिट्ठी लिखते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन भूली, इसमें तो सब अंग्रेजी में लिखा है, मैं पूरी चिट्ठी अंग्रेजी में कैसे लिखूंगी? अरे तू चिंता क्यों करती है, मैं हूं ना। ये देख, इसमें हम हिंदी में भी लिख सकते हैं।